सलमान खान भाईजान की फिल्म भारत का ट्रेलर आया है और मैं आपको पहले तो ये बता दूं, मैं भारत के सेट पे भी मिल के आया हूँ सलमान खान को एक महीना पहले, और बहुत बड़ा सेट लगाया था फिल्म सिटी मुंबई में। तब बहुत जोरों शोरों से काम जारी था, कटरीना कैफ भी सेट पे थी। कटरीना ने हमारे साथ खाना नहीं खाया, उन्होंने बोला कि आई कांट हैव दिस फूड, थोड़ा ऑयली है उनके लिए। और सुनील ग्रोवर भी थे हमारे साथ, तो बहुत भारत पे बातें हुई। खैर ऑफ रिकॉर्ड जो बातें हुई वो तो मैं आपसे आज शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भारत का ट्रेलर क्या इंप्रेशन रहा, फर्स्ट रिएक्शन ज़रूर आपको देंगे। पहली बात, सलमान खान को देखकर जितनी खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में होती है थिएटर पे देख के, स्क्रीन में देख के, किसी भी और सुपरस्टार को देख के नहीं होती। ये बात सच है, चाहे उनको पसंद करते हो लोग, बहुत ही कम ऐसे फैंस हैं जो नहीं पसंद करते उनको, लेकिन वो भी एक इंट्रिगिंग फैक्टर है। एक पूरी जनरेशन जो कि पूरा अपनी ज़िंदगी जी है उन्होंने, चाल में भी थोड़ा सलमान आते हैं, बोली में भी थोड़ा सलमान आते हैं, तो सबकॉन्शियसली बहुत हैवी प्ले करते हैं सलमान, तो हमेशा से बहुत खुशी होती है जब भी सलमान खान की फिल्म आती है। और ईद के साथ तो अब ऐसा लगता है कि ईद हमेशा से ही, सलमान का इतना लंबा करियर रहा है 20-30 साल का, तो हमेशा से ही उनके साथ सिनोनिमस सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। वांटेड के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो वांटेड रिलीज हुई थी ईद पे, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ईद पे जब भी सलमान की पिक्चर आती है ब्लॉकबस्टर ही होती है। बात करते हैं ट्रेलर की। अब ट्रेलर के अंदर थोड़ी सी बजरंगी भाईजान की झलक है, थोड़ी सी टाइगर जिंदा है की झलक है, थोड़ी सी इवन सुल्तान की झलक है, थोड़ी 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 इनकी हर कैरेक्टर की, जो एक क्विंटेसेंशियल सलमान खान ब्लॉकबस्टर फिल्म है। लग रहा है सारे अंश मिलाए जा चुके हैं, और एक स्क्रिप्ट इनको ऐसी मिली, कोरियन फिल्म थी ओड टू माय फादर, जिसका ये ऑफिशियल रीमेक है, अडैप्टेशन है, तो एक पहले से, और मुझे खुद उन्होंने बताया भी कि ये बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। सारे ही अतुल अग्निहोत्री जो कि प्रोड्यूसर हैं, उनके जीजा भी हैं, सारी टीम सलमान खान को बहुत बढ़िया लगी थी ये फिल्म कोरियन जब उन्होंने देखी थी, तो तभी इन्होंने डिसाइड करा कि अडाप्ट करेंगे। पूरी चलती है, 50-60 साल की कहानी है, इसीलिए आप सलमान को देखेंगे भी 5 रूप में। एक तो वो जो सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है उस रूप में, फिर यंग है बिल्कुल सलमान खान उस रूप में, तो पूरी ये 10-15-20 साल की नहीं, पूरी 50-60 साल की कहानी है। इंडिपेंडेंस से चलती है, क्या क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो जैसे मैंने बोला, सलमान खान की फिल्म लोग जब जाते हैं थिएटर में देखने, तो पहली बात मैं बता दूं, 70-80% तो सिर्फ सलमान को ही देखने जाते हैं। पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, बस सलमान खान दिख जाए, और क्या करते हुए दिखें, थोड़ा हंसाएं, थोड़ा इमोशंस पे हाई हो, थोड़ा डांस हो, मनोरंजन हो, पूरी एंटरटेनिंग फिल्म हो, एक्शन हो, तो सलमान खान उसके लिए जाने जाते हैं। और पिछली कुछ फिल्में क्योंकि उन्होंने डिसअपॉइंट करा, रेस 3 ने भी, ट्यूबलाइट में तो लोगों ने अपने थिएटर में सर मार लिया था कि क्या कर दिया सलमान खान को, कैसा बना दिया, लेकिन इस बार लग रहा है स्लो मोशन गाना भी जो है दबंग की थोड़ी सी फील दे रहा है, बड़ा कलरफुल सा है जब बाइक चला के आते हैं, प्लस जो बाकी सारे इमोशंस हैं वो बजरंगी भाईजान, जब इंडिया के आप देख रहे हैं बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो सारे के सारे जो अंश हैं बहुत बखूबी आ रहे हैं, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ ट्रेलर देख के। ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा, कटरीना कैफ बहुत अच्छी लग रही हैं, कॉमेडी टच जो उन्होंने दिया है कटरीना के लिए भी, वॉच आउट फॉर हर, मेरे ख्याल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी, और सुनील ग्रोवर मेरे फेवरेट हैं, तो कुल मिला के ट्रेलर को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, और कांट वेट फॉर भारत। We'll be right back.